Hello and welcome. Today we will discuss the role of integration in physics, part 2. Application of integration in physics. In the previous lecture we discussed how to take integration. You know, integration is the inverse of differentiation. So today we will use how this integration can be helpful in physics and even in mathematics. We start from simple equation. Suppose we have equation v is equal to u plus at. This is valid only when this a is constant. When this a is constant, this is okay. If this a is variable, this application, this equation is not used. So integration helps there. So how can we use integration here to calculate velocity when acceleration is variable? If acceleration is given to us and we have to find velocity, what will you do? Suppose acceleration is variable, it depends upon time. Acceleration is equal to, suppose 5t square plus 3t plus 4. What will be the velocity and displacement, you are asked. Then we will use integration. This equation fails. Is equation ka use nahi kar sakte yahan pe. To kaise karenge? You know what is a acceleration, rate of change of velocity. So this is dv upon dt is equal to 5t square plus 3t plus 4. And dv is equal to 5t square plus 3t plus 4 multiply by dt and integrate it. When we will integrate it, we assume that initial velocity was 0 and final velocity is v. So this will be v, dv ka integration v, and this will be 5. Ab integration ka formula mein pata hai, algebraic function hai ye. एल्जेब्रिक फंक्शन में फॉर्मूला क्या था, x रेज टू पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, रूल क्या है, n प्लस 1 पावर डिवाइडेड बाय पावर n प्लस 1. तो यहां पे आ जाएगा 5t3 t क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस 3t स्क्वायर बाय 2 प्लस 4t, लिमिट 0 टू t. जो भी t इज इक्वल टू 5 सेकंड बाद पूछे इसमें स्पीड बताओ, तो वी कैन कैलकुलेट. अब ये पूछे कि डिस्प्लेसमेंट बताओ आफ्टर 10 सेकंड्स या जो भी, तो फिर अब दोबारा से फिर इसको हम फर्दर इंटीग्रेट करेंगे. कैसे? वी नो v इज इक्वल टू dx बाय dt. सो यहां से dx की वैल्यू क्या आएगी, v इनटू dt, और जो v की वैल्यू यहां से हम कैलकुलेट कर चुके हैं वो वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे. v की वैल्यू ये कैलकुलेट कर चुके हैं हम यहां से, तो दैट विल बी 5 बाय 3 t क्यूब प्लस 3 टी स्क्वायर बाय 2 प्लस 4 टी इनटू डीटी डीएक्स, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे. देन वी कैन कैलकुलेट एक्स डिस्प्लेसमेंट इन द सेम वे. 5 बाय 3 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वही टी 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 टी क्यूब डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, 2 ऑलरेडी है यहां पे, प्लस 4 टी स्क्वायर बाय 2. अगर टाइम लिमिट पता है हमें 0 टू t, तो वो पुट कर देंगे, नहीं तो प्लस कांस्टेंट लगाते हैं यहां पे. टाइम लिमिट नहीं है तो प्लस कांस्टेंट. तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन को फिजिक्स में यूज कर सकते हैं. अगर हमें वेलोसिटी पता है तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन पता है तो वेलोसिटी भी और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल सकते हैं. मैथ्स के अंदर देखो, मेजरमेंट के अंदर, मेंसुरेशन के अंदर इसका एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ. लेकिन अगर ये इस शेप में हो ऐसे, हाउ विल यू फाइंड दिस एरिया, इंटीग्रेशन विल कम टू आवर हेल्प. मान लिया ये जो कर्व है इसकी इक्वेशन, कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल टू x स्क्वायर है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, यहां पे एक कोई भी स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे, कोई भी. ये मान लिया x एक्सिस है और ये इधर y एक्सिस है, ये y एक्सिस है. तो इसके ऊपर यहां पे कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट मान लेंगे, ये हाइट क्या होगी y, और इसकी जो विड्थ होगी, ये रेक्टेंगुलर शेप होगी, विड्थ स्मॉल एलिमेंट लेंगे तो विड्थ भी स्मॉल होगी, वेरी वेरी स्मॉल. तो इसका एरिया कितना होगा, y into dx. इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है, टू सम अप, टू इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना. जैसे इंटीग्रेटेड इंडिया, तो सारी स्टेट्स को इकट्ठा कर दिया, इंटीग्रेट. तो अब यहां पे जितनी भी स्मॉल स्ट्रिप्स हैं सबको इकट्ठा कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे. तो इंटीग्रेट मींस सम अप, सम अप करेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा. तो इसका इंटीग्रेशन का मतलब ये, तो इसकी जगह साइन हम बेसिकली इसको यूज करते हैं, मीनिंग सेम है. तो y की वैल्यू यहां से पुट कर दो, x² dx.
अब x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, जीरो से, और ये मान लिया जो भी यह फाइव दे रखी है तो जीरो टू फाइव। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट, इसमें x का आ जाएगा x क्यूब बाय थ्री जीरो टू फाइव, और हम इसका एरिया निकाल लेंगे। और इसके अंदर और भी अगर स्फेरिकल सरफेस है या कर्व्ड सरफेस है कोई भी, तो उसका हम सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई स्टार्ट फ्रॉम सर्कल, ये सर्कल है, टू डायमेंशनल है, तो टू डायमेंशनल इसको प्लेनर फिगर बोलते हैं। तो प्लेनर फिगर के अंदर जो है इसका मान लिया हमने पहले, सबसे पहले इसकी लेंथ निकालनी है, ये सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस तो लीनियर में आ जाता है, लीनियर, तो इसमें जो है सर्कमफेरेंस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो मान लिया मैंने इसका स्मॉल पार्ट ले लिया, ये स्मॉल पार्ट डी एस, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट डी एस या डी एल ले लो, स्मॉल लेंथ ले लिए, और यहां पे ये एंगल थीटा, इसको भी स्मॉल लेंगे डी थीटा, और ये इसकी रेडियस आर। तो यू नो द फॉर्मूला बिटवीन लेंथ ऑफ द आर्क एंड रेडियस, तो डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा। तो ये अब इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दूं तो टोटल सर्कमफेरेंस आ जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन का मतलब पूरा लेंथ इसकी एल, दैट इज इक्वल टू आर, कॉन्स्टेंट रहेगा चेंज नहीं होगा, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन, और डी थीटा क्या है स्मॉल एंगल, और इसका इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, ये सारा कंप्लीट एंगल जोड़ दिया सबको, ऐड कर दिया, और सेंटर पे टोटल एंगल कितना होता है 360, बट 360 डिग्री जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, एंड पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, तो इनटू 2 पाई आर। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर, तो ये सीधा आ गया। अब इसका एरिया कैसे निकाल लें, क्योंकि इसमें तो सरफेस जो है ये जो इसकी बाउंड्री है कर्व्ड है, तो इसका एरिया कैसे निकाल लें। एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला तो हमें पता ही है, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर, लेकिन इंटीग्रेशन से इसको हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया था हम पहले स्मॉल एलिमेंट चूज करते हैं, अगर लेंथ है तो उसमें स्मॉल लेंथ, अगर टोटल लेंथ एल है तो स्मॉल लेंथ डी एल लेंगे, अगर ये टोटल एरिया ए है तो इसका स्मॉल एरिया डी ए लेंगे हम। तो उसके लिए पहले सेंटर मान लिया, इसकी टोटल रेडियस इसकी आर है कंप्लीट सर्कल की, अब मैं एक स्मॉल रिंग लूंगा इसके बीच में, एलिमेंटल रिंग, जैसे एक बैंगल है, उस बैंगल के थोड़ा सा बड़ी बैंगल तो पूरा सर्कल बन जाएगा, ऐसे कॉन्सेंट्रिक अगर बैंगल्स होंगी बहुत सारी कॉन्सेंट्रिक, तो ये क्या बन जाएगा, पूरा एक सर्कल बन जाएगा, प्लेनर फिगर बन जाएगी। तो पहले एक मैं ये चूज कर रहा हूं, मान लिया एक स्मॉल बैंगल ले ली मैंने, ये स्मॉल एलिमेंट जिसकी रेडियस एक्स है, और इसकी भी तो विड्थ होगी कुछ ना कुछ, वो विड्थ मैंने डी एक्स ले लिए, तो दिस इज दिस स्मॉल, ये जो मैंने शेडेड पोर्शन दिखाया है दिस वन, ये शेडेड, ये डी एक्स। तो अगर मैं इस स्ट्रिप का एरिया निकाल लूं और उसको इंटीग्रेट कर दूं तो पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। अब इस स्ट्रिप का एरिया कैसे निकालने, इसको यहां से कट करो और इसको स्ट्रेच कर दो, ये स्ट्रेच कर दिया हमने, कट कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच करेंगे तो टोटल लेंथ इसकी कितनी होगी 2 पाई एक्स, और इसकी विड्थ ये कितनी होगी डी एक्स। तो ये रेक्टेंगल शेप है तो इसका एरिया क्या होगा, स्मॉल डी ए से लिखेंगे, टोटल एरिया अगर ये है तो इसका स्मॉल एरिया डी ए, डी मतलब वेरी वेरी स्मॉल एरिया, दैट इज 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दो एरिया ऑफ सर्कल, यू विल गेट योर आंसर 2 पाई, अब वही एक्स डी एक्स, कौन सा फंक्शन है एलजेब्रिक, क्या करेंगे पावर एक ऐड कर दो एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल पाई, लेकिन इसकी लिमिट एक्स की मिनिमम लिमिट क्या होगी, मिनिमम वैल्यू 0, और मैक्सिमम कितनी होगी आर, तो 0 टू आर, तो जब ये लिमिट रखेंगे तो ये दिस इज पाई आर स्क्वायर माइनस 0, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज एरिया ऑफ द सर्कल, वी आर गिवन ए स्फेरिकल बॉल and we have to find the surface area. You know surface area of sphere is 4 pi r square. If we want to find its volume, our formula will be 4 by 3 pi r cube. Now with the help of integration, this is the application of integration, we can calculate it. This I have taken a small strip. इसके ऊपर मैंने एक small strip ली है, एक ring, ऐसे ring shape में, ऐसे ये round में,
इफ आई एम एबल टू फाइंड इट्स सरफेस एरिया, अगर मैं यहां इसका सरफेस एरिया निकाल लूंगा और फिर दिस होल स्फीयर कंसिस्ट ऑफ मेनी स्ट्रिप्स, ऐसे इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रिप्स हैं और टोटल सरफेस एरिया इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल दोस स्ट्रिप्स, तो पहले इसका सरफेस एरिया निकालूंगा मैं इस रिंग का, तो इसमें जो है मैं इसको यहां से ड्रॉ कर लेता हूं अलग से, दिस इज इसका एरिया कितना होगा, तो आई नीड द रेडियस ऑफ दिस, इसकी रेडियस चाहिए, इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे, यहां दिस इज द सेंटर और यहां से ये दिस इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर आर, और अगर मैं ये सेंट्रल लाइन ले लूं, ये सेंट्रल लाइन कोई भी, तो यहां इस एंगल को मैं थीटा मान सकता हूं, तो दिस परपेंडिकुलर विल बी द रेडियस ऑफ दिस रिंग, तो ये कितना आ जाएगा, ये अगर आर है तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा, तो दिस विल बी आर साइन थीटा। अब मेरे को इसका अगर एरिया चाहिएगा तो मैं इसको यहां से कट करके स्ट्रेच कर लूंगा, इसको ऐसे स्ट्रेच कर लूंगा और इसकी जो लेंथ होगी दैट इज 2π इनटू दिस रेडियस दैट इज आर साइन थीटा, और इसकी जो विड्थ होगी वो ये विड्थ होगी ये, और इस विड्थ को कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए ये हमें एंगल डी थीटा लेना पड़ेगा स्मॉल, तो ये जो है ये विड्थ, अगर मैं इसको dx मान लूं तो dx किसके इक्वल होगा, या dl मान लो तो dl विल बी r इनटू d थीटा, तो इसका जो एरिया आएगा स्मॉल सरफेस एरिया दैट विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ 2πr sin थीटा इनटू दिस विड्थ dy, और dy कितना था हमारा r d थीटा अभी कैलकुलेट किया, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे दैट विल बी द टोटल एरिया, तो 2πr स्क्वायर कॉमन साइन थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन, और थीटा की जो वैल्यू है थीटा यहां से स्टार्ट होगी, अगर यहां तक ऐसे यहां तक जाएगी तो पूरे जो है पूरा स्फीयर कवर हो जाएगा, ऑल स्ट्रिप्स आ जाएंगे इसके अंदर, तो थीटा की वैल्यू 0 to π, इसका इंटीग्रेशन 2πr² साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन -cos θ और थीटा 0 to π, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से माइनस आउटसाइड This is cos pi minus cos 0 degree. Cos pi is your minus 1. Cos 0 is 1. And this is minus 2πr². और इसको सॉल्व करेंगे तो 4πr². तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कहां से आया, ये इंटीग्रेशन मेथड से हम निकाल लेते हैं. तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना हो तो मेरा आंसर क्या आएगा, ये. तो ये कहां से आया, वी कैन सॉल्व इट यूजिंग The same concept. यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें सरफेस एरिया पता है, अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है, जैसे मान लिया हमें इस क्यूब का वॉल्यूम निकालना हो तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, बेस एरिया, कोई भी बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट. तो अगर मैं एक स्फीयर लू, स्फेरिकल सेल लू, स्फेरिकल सेल अंदर से होलो है ये, और इसकी जो है थिकनेस डी एक्स मान लू, अगर x इसकी रेडियस हो और इसकी थिकनेस ये dx मान लें हम थोड़ी देर के लिए dx, तो यहां कितना वॉल्यूम होगा, अगर मैं इसको निकाल लूंगा तो दिस स्फीयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी स्फेरिकल सेल, इस स्फीयर के अंदर बहुत सारे स्फेरिकल सेल हैं कॉन्सेंट्रिक एक के ऊपर एक, जैसे लेयर बनी हुई, एक लेयर दूसरी लेयर तीसरी लेयर, ऐसे पूरा सॉलिड स्फीयर बन गया. तो सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कहां से आएगा, पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, स्मॉल वॉल्यूम होगा, स्मॉल के लिए डीवी यूज करेंगे, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसका अंदर का जो सरफेस एरिया, और स्फीयर है ये सर्कल नहीं है, स्फीयर है, तो कितना होगा 4πr² r² की जगह x है तो x² इनटू इसकी विड्थ क्या है dx, बस इसको इंटीग्रेट कर दो दैट विल बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, ये आंसर आ जाएगा. लेकिन x की वैल्यू लिमिट यहां पे 0 से मैक्सिमम r, यहां से यहां तक r, तो यहां से 4π कॉमन x² dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3 और 0 to r, एंड योर आंसर इज 4π/3 r³ या 4π/3 πr³. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. तो अब इसको फिजिक्स में और कहां पे यूज करते हैं, फिजिक्स में जैसे हम एक टर्म यूज करते हैं मास, तो मास लीनियर मोशन में मास यूज किया जाता है, लेकिन वही मास अगर रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस के अराउंड तो उस मास को हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो वहां पे इंटीग्रेशन बड़ा हेल्पफुल है,
लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्सिया अगर हमने किसी पॉइंट मास का निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, तो वो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि एक्सिस से, ये जैसे एक्सिस है, इससे कितनी डिस्टेंस पे वो मास रोटेट कर रहा है। अगर वो यहां से आर डिस्टेंस पे ये मास चारों तरफ घूम रहा है इसके, और ये पॉइंट मास है, तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया का फॉर्मूला आ जाएगा एम आर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन इसी केस में अगर एक रोड है, पूरी रोड, जैसे ये मार्करी है और मैं यहां से एक एक्सिस बना दूं इसके, और इसके चारों तरफ ये घुमाना शुरू कर दूं, ऐसे ही घूमे इसके चारों तरफ, ऐसे जस्ट लाइक ए रोड ऐसे, तो उसमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना होगा, वहां इंटीग्रेशन काम आएगा हमारा। कैसे काम आएगा, देखो ये जैसे रोड है और इसका एक्सिस ये ले लिया हमने, इसके अबाउट जो है हमने इसको घुमा दिया ऐसे, जैसे कि पेन को ऐसे साइड से पकड़ के ऐसे घुमा दे, तो इसके लेंथ हमें दी हुई है मान लिया एल, और इसका टोटल मास है एम इस पूरी रोड का, तो बताओ इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना होगा। तो वहां पे इंटीग्रेशन काम आएगा। कैसे आएगा, तो पहले हम एक स्मॉल मास लेंगे, एलिमेंटल मास, जिसकी डिस्टेंस यहां से एक्स है और इसकी जो विड्थ है वो डी एक्स है, यहां ये जो दिस इज डी एक्स। अब इसका मास निकालना पड़ेगा, पहले पूरी रोड का मास पता है तो इसका मास निकाल सकते हैं, ये यूनिफॉर्म रोड मान के चल रहे हैं कि रोड इज यूनिफॉर्म, तो उसमें क्या होगा डी एम स्मॉल मास इसका कितना होगा, पूरी रोड का मास m है तो मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा m अपॉन l, और जितनी इसकी लेंथ होगी, इसकी लेंथ तो बहुत ही स्मॉल है, dx है तो dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मास मेरे को पता लग गया, और कितनी डिस्टेंस पे घूम रहा है ये x डिस्टेंस पे, तो सिर्फ इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकाल लेंगे पहले इस फॉर्मूले से, और ये फॉर्मूला क्या है m into r square, तो m की जगह आ जाएगा dm और r की जगह आ जाएगा x x square, और ये पूरा मोमेंट ऑफ इनर्सिया नहीं, अभी स्मॉल ही आएगा इसी एलिमेंट का, तो इसको डी आई लिखेंगे और डी एम की वैल्यू पुट कर दो यहां से, एम बाय एल डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, वी विल गेट अवर आंसर, और आंसर आ जाएगा, और वो 1/3 एम एल स्क्वायर आएगा, तो यहां से इंटीग्रेट करेंगे m by l आउटसाइड, तो ये x square dx इसका इंटीग्रेशन। अब ये x की वैल्यू कम से कम 0 होगी और ज्यादा से ज्यादा l होगी, तो 0 टू l, तो दिस विल बी m by l x cube by 3 0 टू l, इसको सॉल्व करेंगे तो ये दिस इज 1/3 m l square, l कैंसिल हो जाएगा, एक l square रह जाएगा, दिस इज द आंसर। तो यहां पे इंटीग्रेशन जो है हमें बड़ा हेल्प करता है। इसी तरह से आई टेक मोर एग्जांपल्स, मान लिया मेरे पास दो मास है, ये m1 है, ये m2 है, बीच की डिस्टेंस r है, तो इसमें बताओ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, नाइन्थ क्लास में पूछा जाता है, दैट इज जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। लेकिन इसी केस में इलेवेंथ में इसको पॉइंट मास ना दे के एक रोड दे रहे हैं, दिस इज ए रोड ऑफ मास कैपिटल m एंड इट्स लेंथ इज कैपिटल L, और यहाँ पे एक पॉइंट मास है जिसका मास स्मॉल m है, और यहां से ये डिस्टेंस दे दी मान लिया a, a डिस्टेंस इस एंड से है, तो बताओ इस रोड के ऊपर इसके कारण कितना फोर्स होगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताओ। तो उस टाइम पे ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हम, तो क्योंकि ये फॉर्मूला तो वैलिड है, दोनों पॉइंट मास है, ये रोड तो पॉइंट मास नहीं है, इसका मास कहाँ पे लें, यहाँ लें, यहाँ लें, तो एवरीवेयर है, मास इज एवरीवेयर, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका एक पॉइंट मास लेंगे, कोई भी स्मॉल मास, ये ले लिया मैंने ये, और इसकी डिस्टेंस यहां से एक्स मान लो, और इसको मास को स्मॉल डीएम हो गया, तो ये जो है फॉर्मूला, फोर्स भी इस पे स्मॉल होगा, पूरी रोड नीले रखी, तो डीएफ इज इक्वल टू ये फॉर्मूला जी, एम वन की जगह आ जाएगा एम और एम टू की जगह डीएम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। अब ये डीएम की वैल्यू जैसे अभी पुट की थी हमने पिछले, उसमें डीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डीएम की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एम अपॉन एल मास पर यूनिट लेंथ इनटू इसकी लेंथ डी एक्स ली है हमने डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे ये फोर्स आ जाएगा। अब इसमें जो कॉन्स्टेंट है वो बाहर ले लेते हैं, जो चेंज नहीं हो रहे, और अंदर क्या हो गया हमारा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और लिमिट इसकी 0 टू, अब देखो x की वैल्यू कम से कम कितनी होगी, यहां से अगर स्टार्ट करें इसको यहां लेना तो x की वैल्यू a होगी, तो a से स्टार्ट होगा ये a से, और फाइनल लिमिट इसकी कितनी हो जाएगी a प्लस l इस एंड तक। अब इसको सॉल्व करेंगे g कैपिटल m स्मॉल m डिवाइडेड बाय l, इसका इंटीग्रेशन आएगा -1 / x,
अगर इसको करके देखेंगे दिस विल बी माइनस वन बाय एक्स, तो इसमें ए से ए प्लस एल इसको सॉल्व करेंगे एक्स रेज टू दी पावर माइनस वन बाय टू करके और फिर इसमें प्लस वन ऐसे करके ये आएगा और इसमें जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय एल और इसमें फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, लेकिन ये माइनस साइन है उसके कारण ये अपोजिट हो जाएगा, पहले इनिशियल लिमिट फिर फाइनल अगर यहाँ माइनस है तो वन बाय ए माइनस वन बाय ए प्लस एल और इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर एल आ जाएगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा और ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय ए इनटू ए प्लस एल, ये आंसर आएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये इंटीग्रेशन मेथड से आया। इसी तरह से टेंथ क्लास में एक क्वेश्चन करते हैं आप रेजिस्टेंस का, कि कोई वायर है जैसे इस वायर का रेजिस्टेंस निकालना है हमने, रेजिस्टेंस इस वायर की लेंथ दे रखी है, इसका रेजिस्टेंस निकालना है, इसकी लेंथ एल दी हुई है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया हुआ है, तो इसका रेजिस्टेंस होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ये जो रो है इसकी रेजिस्टिविटी है। अब इसी केस में अगर ये वायर यूनिफॉर्म ना हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, तो उस केस में इसका कैसे निकालेंगे। मान लिया ये वायर इस तरह से है, ऐसे इस शेप में है, ये एरिया क्रॉस सेक्शन कम है ये ज्यादा है और इसकी लेंथ एल है और ये इसकी रेडियस आर वन है और ये रेडियस आर टू है, या इसको ए मान लो, इसको रेडियस ए मान लो और ये रेडियस बी मान लो, ये इसकी सेंट्रल लाइन है, तो बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये फॉर्मूला वैलिड कब है, जब एल और ए एरिया सेम हो, कॉन्स्टेंट हो थ्रू, लेकिन इसमें तो एरिया बढ़ता जा रहा है तो हम क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट मान लेंगे यहाँ पे बीच में ऐसे, ये पहले इसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे हम सिर्फ इस बीच वाले पोर्शन का और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे का आ जाएगा। अब बीच वाले पोर्शन का निकाल लेंगे तो इसकी लेंथ कितनी होगी, तो यहां से मैंने इसकी डिस्टेंस एक्स मान ली है, मान लिया यहां से ये एक्स डिस्टेंस पे है, तो ये कितना हो जाएगा इसका डी एक्स। अब ये डी एक्स हो गया हमारा, तो dx जो है इसकी लेंथ आ गई, तो इसका रेजिस्टेंस dr से लिखेंगे, स्मॉल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस r है तो इसका dr इज इक्वल टू रो, रेजिस्टिविटी सेम है थ्रू आउट मटेरियल, कॉपर है तो कॉपर की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, तो लेंथ की जगह इसकी लेंथ और वो है हमारी dx डिवाइडेड बाय एरिया। अब एरिया कौन सा ले, जैसे इसका एरिया निकालना है तो कितना होगा पाई ए स्क्वायर, इसका एरिया निकालना है तो कितना होगा पाई बी स्क्वायर, तो इसका एरिया भी तो होगा, ये भी तो एक राउंड ऐसे आएगी, राउंड में आएगी, तो ये हाइट इसको y मान लेता हूं मैं, तो इसको मैं थोड़ा सा यहां दिखा रहा हूं एक बार क्लियर, अगर इसको ऐसे राउंड, वैसे तो राउंड ही बनेगी ये, इसमें जो है ये y मान ली मैंने, अगर ये y हाइट है तो इसका एरिया कितना होगा पाई वाई स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा हमारा पाई इंटू वाई स्क्वायर, ये एरिया क्रॉस सेक्शन आएगा इसका, वाई इसके यहां से रेडियस बन जाएगी। अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी, यहाँ पे वेरिएबल x है और यहाँ y है, तो y को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए कैसे करेंगे अब ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो ये सेंट्रल लाइन थी हमारी, ये अगर मैं यहां से एक लाइन पैरेलल खींचू तो ये एंगल कितना होगा यहां से निकाल सकते हैं, तो ये इसमें tan थीटा अगर लें, tan थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना होगा, ये साइड हमारी a थी और ये टोटल b थी, तो ये कितना बच जाएगा, दिस विल बी b माइनस a, यहां से b माइनस a, तो tan थीटा आ गया b माइनस a डिवाइड बाय लेंथ l, ये l लेंथ है इसकी, तो डिवाइड बाय l, तो ये हो गया। अब इधर से जब मैं बीच में यहाँ पे पट्टी लूंगा, यहाँ पे एक स्ट्रिप ऐसे ये स्ट्रिप लूंगा, तो ये हाइट और इस हाइट में भी फर्क है, ये अगर वाई है तो ये वाई में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है, डी वाई, वाई प्लस डी वाई, तो इसके पैरेलल ये खींच दूंगा तो ये एंगल वही सेम होगा, तो ये हमारा कितना था नीचे डी एक्स लिया था, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी डी वाई, क्यों वाई में चेंज आ गया ना, वाई भी बढ़ गया, तो ये कितना हो गया डी वाई, तो इसको मैं ये टेन थीटा सेम होगा, तो दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे लिख देंगे इसको, तो यहां से हम डी एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं dy, क्योंकि यहाँ y आया हुआ है तो dx को dy की टर्म्स में लिखेंगे, तो यहां से जो है dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dx विल बी इक्वल टू dy
एल ओवर बी माइनस ए, ये आ गया। तो यहां से डी आर की वैल्यू कितनी आ गई, रो बाय पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। डी एक्स कितना है हमारा, ये एल, इसको मैं पहले लिख लेता हूं, एल ओवर बी माइनस ए, क्योंकि आउटसाइड लेना है, डी वाई बाय वाई स्क्वायर, ये आ गया हमारा। बस अब इसको इंटीग्रेट कर दो, वी विल गेट अवर आंसर। अब हमारा आंसर आ जाएगा, अब इसमें जो है इंटीग्रेट करेंगे तो आर विल बी इक्वल टू, ये बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट, रो एल ओवर पाई बी माइनस ए, और इसको इंटीग्रेट करेंगे डी वाई अपॉन वाई स्क्वेयर, वही फॉर्म है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर, तो इसका माइनस वन बाय एक्स आया था, तो इसमें माइनस वन बाय वाई आ जाएगा। अब वाई की वैल्यू कितनी होगी, वाई की वैल्यू पता है तुम्हें कहां से स्टार्ट हुई थी, सेंट्रल लाइन से लिया था, ये वाई है, तो सेंट्रल लाइन से यहां से कितना होगा, ये ए था, और मैक्सिमम वैल्यू बी, तो ए से बी, वाई की वैल्यू कम से कम कितनी है ए, और ज्यादा ज्यादा कितनी है बी। अब इसको पुट कर दो, माइनस साइन है तो एक बार पहले फाइनल लिमिट लेने की बजाय इनिशियल पहले लेते हैं, तो रो एल ओवर पाई बी माइनस ए, और यहां आ जाएगा वन बाय ए माइनस वन बाय बी। अगर ये माइनस साइन नहीं होता तो हम वन बाय बी माइनस वन बाय ए लेते हैं, तो इसको सोल्व कर लो, रो एल ओवर पाई बी माइनस ए, और इसका एलसीएम लेंगे तो ए बी, और ऊपर चला गया बी माइनस ए, और ये कैंसिल हो गया, और रेजिस्टेंस टोटल आ गया रो एल ओवर पाई ए इंटू बी, ये रेजिस्टेंस आ गया। तो वैसे अगर बिना उसके करते शॉर्टकट तो रॉन्ग होता, और यहाँ पे पाई क्या रेडियस लेते हम, क्योंकि यहाँ रेडियस कम है यहाँ रेडियस ज्यादा है, तो दोनों लेनी a इंटू बी, यानी कि एवरेज जो इसकी रेडियस आई r, जो रेडियस दैट इज ए बी जो है वो स्क्वेयर होता है यहाँ पे पाई r स्क्वेयर, तो ए बी रूट लेंगे हम, तो नीचे पाई एरिया लेना है, तो ये फॉर्म आ गई, ये ऑन एन एवरेज, ये शॉर्टकट डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं।